दिल्ली एनसीआर के लोगों को पिछले दो दिन से मौसम का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में अचानक आए कोहरे के बाद विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पोल्यूशन के स्तर की बात की जाए तो 400 के आसपास AQI पहुंच गया है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो नोएडा में भी आज जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ 100 मीटर के आसपास भी विजिबिलिटी नहीं है। कई गाड़ियाँ भी लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी अगर इमारतों की बात की जाए तो इमारतें पूरी तरीके से नदारत नज़र आ रही हैं। पोल्यूशन और कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने से इमारतें पूरी तरीके से नदारत नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर खुले इलाकों की बात की जाए, यमुना एक्सप्रेसवे और उसके आसपास के इलाकों की, तो वहाँ विजिबिलिटी बेहद कम है, तो स्पीड पर ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर नोएडा के पोल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ का पोल्यूशन डिपार्टमेंट उड़ने वाली धूल को लेकर और गाड़ियों की ज़्यादा संख्या होने को लेकर पोल्यूशन के बढ़ने की तरफ इशारा लगातार करता है। धूल की भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जितने भी नोएडा के अंदर पार्क हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उन सब के पत्तों पर पूरी तरीके से जो धूल के कण हैं वो जमे हुए हैं। हालांकि प्राधिकरण की तरफ से पानी के छिड़काव का दावा किया जा रहा है, 20 टैंकर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, बावजूद उसके जो धूल है, धूल के कण हवा में मिल जाने से पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ना केवल इंसानी जीवन बल्कि पेड़ पौधों पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से जो धूल के कण हैं वो हवा में मिल जाने से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो सांस लेने से संबंधित मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आँखों में जलन की शिकायत लोगों को हो रही है। ऐसे में OPD में पहुँचने वाले मरीजों में उन मरीजों की संख्या काफ़ी है जो पोल्यूशन के चलते बीमार हो रहे हैं। फिलहाल देखना होगा आने वाले समय में संबंधित विभाग किस तरीके के कदम उठाते हैं और किस तरह से दिल्ली NCR को गैस चैम्बर में तब्दील होने से बचा पाते हैं। दिल्ली NCR के लोगों को पिछले दो दिन से मौसम का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। दिल्ली NCR में अचानक आए कोहरे के बाद विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पोल्यूशन के स्तर की बात की जाए तो 400 के आसपास AQI पहुंच गया है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो नोएडा में भी आज जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। कई ऐसे इलाके हैं जहां 100 मीटर के आसपास भी विजिबिलिटी नहीं है। कई गाड़ियां भी लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी अगर इमारतों की बात की जाए तो इमारतें पूरी तरीके से नदारत नज़र आ रही हैं। पोल्यूशन और कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने से इमारतें पूरी तरीके से नदारत नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर खुले इलाकों की बात की जाए, यमुना एक्सप्रेसवे और उसके आसपास के इलाकों की, तो वहाँ विजिबिलिटी बेहद कम है, तो स्पीड पर ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर नोएडा के पोल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ का पोल्यूशन डिपार्टमेंट उड़ने वाली धूल को लेकर और गाड़ियों की ज़्यादा संख्या होने को लेकर पोल्यूशन के बढ़ने की तरफ इशारा लगातार करता है। धूल की भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जितने भी नोएडा के अंदर पार्क हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उन सब के पत्तों पर पूरी तरीके से जो धूल के कण हैं वो जमे हुए हैं। हालाँकि प्राधिकरण की तरफ से पानी के छिड़काव का दावा किया जा रहा है, 20 टैंकर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, बावजूद उसके जो धूल है, धूल के कण हवा में मिल जाने से पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ना केवल इंसानी जीवन बल्कि पेड़ पौधों पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से जो धूल के कण हैं वो हवा में मिल जाने से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो सांस लेने से संबंधित मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आँखों में जलन की शिकायत लोगों को हो रही है। ऐसे में OPD में पहुँचने वाले मरीजों में उन मरीजों की संख्या काफ़ी है जो पोल्यूशन के चलते बीमार हो रहे हैं। फिलहाल देखना होगा आने वाले समय में संबंधित विभाग किस तरीके के कदम उठाते हैं और किस तरह से दिल्ली NCR को गैस चैम्बर में तब्दील होने से बचा पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, नोएडा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।